मेरे पिताजी का सपना था और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में जाएं, क्योंकि उनका भी सेवा भाव में काफी विश्वास था। इतने सालों से और इतना मतलब कि हार्ड जो है परिश्रम करने के बावजूद जो है ये सफलता मिली और है। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पीडी ये सब पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। बहुत सोचते थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यही सोचा कि इनको एक कंधे पे सहारा देंगे और पिता को एक कंधे पे आर्थिक पे देंगे आर्थिक उनको। हेलो एवरीवन, 2 दिन पहले ससर टीवीपीएससी का रिजल्ट आया एंड बहुत सारे कैंडिडेट का पीडब्ल्यूएस में नाम आया है और सबकी एक अपनी एक स्टोरी है यहाँ तक सक्सेस पाने की। हम अभी जो स्टोरी आपके पास ला रहे हैं दैट इज़ अमेजिंग। यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, फिर भी एक होता है ना दृढ़ निश्चय होकर के किसी भी चीज़ को चाहना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप ज़रूर उस सक्सेस को पा लेते हैं। तो हमारे साथ मैम हैं, इन्हीं से नाम जानेंगे। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम पिंकी कुमारी है और मैंने 775 रैंक प्राप्त की है और मैं सब डिविजनल बीसी और ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुई हूँ। मुझे बताइए किस दिन आपने ऐसा सोचा था कि यार नाउ आई गो फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन? जी ये मेरे पिताजी का सपना था और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में जाएं, क्योंकि उनका भी सेवा भाव में काफी विश्वास था, लोगों की मदद करना था, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप इस जगह जाए, तो वहां से मोटिवेशन आया। मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर बचपन से ही मन था कि नहीं? नहीं, ग्रेजुएशन के टाइम में। ग्रेजुएशन के जी टाइम जी जी क्योंकि इस फील्ड के बारे में मैं उसी टाइम में ज्यादा जान पाई। अच्छा जी, आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर आर्मी में थे और अच्छा, रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर्ड हो चुके थे जी। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये थर्ड था। थर्ड अटेम्प्ट था जी। पिछले 2 अटेम्प्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा था? मैं मेंस तक गई थी। अच्छा, लेकिन मेंस के टाइम में कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन आ गई थी जिसके कारण उतना अच्छा नहीं जा पाया और नहीं हो पाया, और इस कंडीशन इस बार मैं सफल हो व्हाट इज द स्टोरी कि आपने मेंस मेंस था आपका, फिर भी आप उस मेंस को नहीं कर पाए अच्छे से? सर ये है कि मैं इकलौती संतान हूँ अपने माता पिता की, और मेरे पिताजी जो थे वो हार्ट पेशेंट हो, मैं ग्रेजुएशन में ही थी 2012 में ही, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बाद से वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करने लगे थे, और मेरी माताजी भी मतलब हड्डियों से संबंधित रोग से काफ़ी वो परेशान रह रही थी। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं जनरल हिंदी का एग्ज़ाम देकर मैं जब लौटी तो मुझे पहले ही दिन पता चला कि मेरी माँ गिर गई हैं और उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मेरे लिए थोड़ा सा ये था, शॉकिंग था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं, कुछ भी करते हैं। और माता जी से मैंने कहा कि आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप 8 दिन बेड रेस्ट पे रहें और मैं अपना एग्ज़ाम दे लूं, नहीं होगा तो मैं एग्ज़ाम छोड़ भी दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप दीजिए, तो जैसे तैसे दिया और उसी कारण ज़्यादा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम के बाद अपने माता पिता पे सोचा कि मैं उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगी। अच्छा जी, आपका ग्रेजुएशन किस ईयर कंप्लीट हुआ था? मेरा 2013 में। 2013 2013 और 2023 में ये सफलता हुई। 10 ईयर काफी लंबा जर्नी होता है। जी जी, एक डिकेड। जी जी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स 10 साल में हुए होंगे। जी जी जी, हाउ विल मैनेज 10 साल में? मतलब बहुत लोग भी बोल रहे होंगे यार छोड़ दो। हाँ हाँ जी, और पैसा मत करो, पढ़ाई छोड़ दो जी, और लड़की कैंडिडेट के साथ में तो और भी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जी जी, उस एडवर्स कंडीशंस में आपने इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया और यहाँ तक पहुँचे? जी आप सही बोल रहे हैं, एडवर्स कंडीशन था। 2019 का तो बात करूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लाइफ में कहा कि बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग था, बहुत ही ज्यादा पीछे बैक करने वाला था, क्योंकि 2019 में मैं बताऊँ 12 महीनों में से 10 महीने मैं हॉस्पिटल में गुजारे थे अपने फादर के साथ, और उस वक्त लगा था कि मैं छोड़ दूँ, बिल्कुल छोड़ दूँ, और अनफॉर्चुनेटली जनवरी 2020 में मैंने अपने फादर को खो भी दिया। अच्छा, तो जब खोया और लगा कि अब माँ को रोते हुए देखा, पिता की अर्थी आंगन में पड़ी थी, लगा कि अब क्या करें, तो बहुत खुशी हुआ है, भगवान का सब मेहरबानी है।
उनको बहुत खुशी हुआ है। यही सोचा कि इनको एक कंधे पे सहारा देंगे और पिता को एक कंधे पे आर्थिक पे देंगे आर्थिक उनको। और फिर मैंने जाके खुद उनको मुखाग्नि दी और जब मुखाग्नि दी तो यही कहा कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब मैं वही करूँगी कि जिससे आप जहाँ हैं आपको शांति मिले। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं मुझे करना है तो करना है। और 2021 में ये सोसाइटी की फॉर्म आई एंड डाला, मुझे जान फूक देनी है, इसी में करना है जो करना है। और प्रभु की कृपा हुई, प्रभु क्या मुझे साथ मिला, तो मैं आज ये सफलता प्राप्त कर पाई हूँ। इतने लगातार स्ट्रगल्स के बाद जब सफलता मिलती है तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये एक मात्र सफलता नहीं है, एक पद की प्राप्ति नहीं है, एक पिता को एक पुत्री की तरफ से दिया हुआ सच्चा श्रद्धांजलि है, एक माता के जीवन की तपस्या को नमन है, और एक जो समाज में जो बैठ गया है दिमाग में, यहाँ इकलौती संतान है तो कुछ नहीं कर सकती। लोगों ने मुझे कहा भी कि तुम क्या ही करके दिखा लोगी, है ना? तो मैंने कहा कि नहीं, ये सफलता से सफलता नहीं होगी, ये सफलता एक क्या कह सकते हैं उसको, एक मैसेज होगा कि नहीं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं और चाहे तो बहुत ही अच्छा कर सकती हैं। इसका तो आप लाइव एग्जांपल अभी पास में है और आपने करके दिखाया। कुछ और भी प्रिपरेशन लाइक कुछ बैंकिंग एसएससी का कुछ ऐसा पेपर आपने दिया या फिर बस इसी पे आप लगे हुए थे? नहीं सर, मैं सिर्फ इसी पे, मैंने मुझे था कि मुझे लाइफ में सिविल सर्वेंस करना है और अगर नहीं बन पाई तो मुझे एनजीओ खोल करके लोगों की सेवा करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड का सोशल वर्क वगैरह कुछ था आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी वगैरह? नहीं नहीं, ये परिवार से, मेरे पिता के जीन से आया था मुझे। अच्छा, वो करने के उनकी विरासत है। अच्छा, हमारे साथ मैम की माँ भी है, कैसा लग रहा है मम्मा आपका फाइनली जो? खुशी हुआ है जी, बहुत खुशी हुआ है, बहुत खुशी हुआ है, भगवान का सब मेहरबानी है, उनको बहुत खुशी हुआ है। हम बहुत सोचते थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता था कि होगा, जरूर होगा। जो मेहनत करता है वो बहुत फल पाता है। रात रात भर जाग करके पढ़ती थी, सोती नहीं थी। हम चिल्लाएंगे बेटा सो जाओ तो बोलती नहीं माँ आप सो जाओ, हम बाद में सोएंगे। चार चार बजे भोर तक पढ़ती रहती थी। खाना भी आगे देंगे तो खाना भी नहीं खाएंगी कि मतलब नहीं अभी नहीं खाऊंगी माँ, अभी नहीं। मैं बोलूँगी मैं बेटा खिला देती हूँ मुँह में तुम लिखो, तो मैं इनको मुंह में खिला देती थी तब ये लिखती थी। इतना मतलब संघर्ष करी है। और इनका पापा के लिए तो, इनके पापा गए जब से हम तो बहुत दुखी रहे, लेकिन आज दो दिन हो गया ना, हमको बहुत खुशी है। गए हैं फिर भी उनको भी प्रणाम करती हूँ, भगवान को भी प्रणाम करती हूँ कि भगवान मेरा दिन लौटा दिए, यही सब किए। और सर, कोई डिफरेंस रहा बेटा बेटी में कुछ वैसा? नहीं, हमको कभी डिफरेंस नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी हम सोचबे नहीं किए। घर का लोग कहा भी बोला भी, फिर भी हम बोले नहीं, जो हमारी बेटी है हम इसी को बेटा जानते हैं, अब बेटा के जैसा ज्यादा ही करके दिखाएगी हमको, हमको पूरा विश्वास है। तो देखिए आज भगवान विश्वास पूरा कर दिए। हमको यही नम्रता था भगवान से कि हे भगवान, जो लोग कहता है कहने दीजिए, हम उसका उत्तर भी नहीं देते थे, चुप। हम यही बोलते थे हे भगवान, हम कोई कुछ भी बोले हम उनका उत्तर नहीं देंगे, उसका उत्तर आप दीजिएगा। तो वही सफलता भगवान दिए आज की, बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। ये तो आपका यहाँ तक पहुँचने का सक्सेस स्टोरी था। अब थोड़ा एकेडमिक बातें करते हैं हम लोग। आप तैयारी कैसे करते थे, मतलब प्री के लिए, मेंस के लिए कैसे तैयारी करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या आपका स्ट्रेटजी होता था, क्या शेड्यूल होता था? जी, शेड्यूल और स्ट्रेटजी के बारे में बोलिएगा तो मैं तो बहुत ही डिफरेंट केस हूँ, ठीक है।
क्योंकि अगर मैंने सोच लिया कि आज मैं पढ़ूंगी तो डेफिनेटली मैं 5 दिन नहीं पढ़ पाऊंगी, ऐसा कंडीशन मेरे सामने आ जाता था। अच्छा। लेकिन हाँ, एक चीज था मेरे अंदर, मैं कहती थी कि मैं 1 घंटा ही पढ़ूंगी रोज दिन, या 2 घंटा, लेकिन मैं रोज पढ़ूंगी। अच्छा। किसी भी तरह से पढ़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सोना ना मिल पड़े तो। ये था। और इसमें अनअकैडमी जो ऐप है ना ऑनलाइन, इसने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा। क्योंकि ये ऑनलाइन था और मैं बाहर जाके पढ़ नहीं सकती थी, ऐसा कंडीशन नहीं था मेरे साथ। तो अनअकैडमी टीम में और अभय प्रताप सर, खासतौर से सोनू, अभिनव सोनू सर थे, इन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया। पर्सनली तौर पे भी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, और मैं जब भी उनके हेल्प के लिए बोलती थी वो मुझे एनी टाइम हेल्प करते थे, और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया और बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। तो मैंने प्री और मेंस वहाँ से तैयार किया और इंटरव्यू मैंने मॉक अभियान से लिया था। जी। अच्छा, कोई बुक बुक था आपके, मतलब स्पेशल स्पेसिफिक बुक जिस पे आप फोकस्ड होकर के पढ़ते थे, मटेरियल वैसा कुछ? जी, मैंने बेस तो एनसीईआरटी से ही किया था, लेकिन उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक होते थे, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गए, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह हो गए, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पीडी, ये सब पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया उसको। और मैंने ये कहूँगी, एक चीज़ कहूँगी कि लिमिटेड रिसोर्स रखिए, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा बार बार रिवाइज करें। रिवीजन कम सोर्स हो, लेकिन वही ब्रूस ली वाली कथन है कि एक मूव को 10,000 बार कर लो जो उससे आपसे अच्छा कोई कर ना पाए। अच्छा, आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी, और अभी के समय में तो आंसर राइटिंग का चैलेंज और बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि इतने लोग प्रिपरेशन करने वाले हो रहे कि क्वालिटी आंसर चेक करना अब लिखना बहुत ही टफ टास्क है। तो आप किस तरीके से लिखते थे, आपका लैंग्वेज कौन सा था? मेरा हिंदी माध्यम रहा है। हिंदी माध्यम रहा है। और मैंने ये किया कि मैं जो भी चीज लिखूं उसको करंट अफेयर से जोड़ सकूं। अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको रेविलेंस आप दिखाएं, ऐसी बातें ना लिखें जो लगा कि किसी पिटी बातें लिख रहे हैं। अच्छा। आज के दौर में अगर आप कबीर को भी दिखा रहे हो या और किसी को भी दिखा रहे हो तो बताओ कि उस कबीर का आज क्या रेविलेंस। अच्छा। ये ज्यादा प्रासंगिक होगा, और बाकी जो चीजें हैं उसको आप करते चले और अपने लैंग्वेज अच्छा रखें, सिंपल लिखें, ज्यादा क्लिष्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सिंपल लिखना है। कितने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर दिन हो जाते थे? मैं हमेशा रोज 2 से 3 मैं हमेशा करती थी। 2 से 3 जी। आपको ऑप्शनल क्या था इसमें? मेरा हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य था ऑप्शनल। हिंदी भाषा एंड साहित्य के लिए कोई किताबें थी, स्पेसिफिक बुक आपने जो फॉलो किया है? जी, मैंने दृष्टि आईएएस का जो अच्छा नोट्स था उसको पढ़ा है, और मेरा ग्रेजुएशन में भी हिंदी भाषा और साहित्य था, वहां से भी मैंने वो भी आपने किया। पीटी के लिए कोई बुक लिस्ट जो आपने उसी पे स्टिक कराया है, आपने पढ़ा है बस उसी चीजों को? जी, और करंट अफेयर के लिए तो 2 करंट अफेयर आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, स्पीडी और पीडी जरूर पढ़ना चाहिए। पीडी से आपको ये होगा कि आप थ्रू आउट उस चीज को पढ़ सकते हो, पीडी आपको बिल्कुल जोड़ के रखता है, इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में उसको। और बिहार के लिए इम्तियाज अहमद सर की बुक जो आती है वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और साइंस के लिए तो मैं कहूंगी NCERT। अब चेंज भी हो रहा है थोड़ा, UPSC जो 69th का एग्जाम हुआ, मतलब क्वाइट डिफरेंट, वैसा एक्सपेक्टेशन किसी ने किया नहीं होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि वो UPSC के पैटर्न पे चल पड़े हैं, और मैं कहती हूँ कि वो गहराई वाले सिविल सर्वेंट को ढूंढ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो होना भी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट को गहराई वाला होना भी चाहिए। उथल व्यक्तित्व के साथ आप समाज की सेवा नहीं कर सकते, तो उस गहराई के साथ आप बिल्कुल पढ़ें। और यही है कि जो भी आप पढ़ें उसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, ये चीज है। हमारे सामने आप एज एग्जांपल आए, मैं जानता हूँ इंडिया में ऐसे बहुत सारे होंगे, बट आप उन लोगों के लिए हाउ मोटिवेट देम, उनके लिए क्या आपके तरफ से क्रक्स मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद पे विश्वास रखें। आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो दुनिया अगर आप पे विश्वास ना भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि आप अकेले चलो हुजूम तो आपके पीछे हो ही लेगा।
तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, निरंतर रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को कभी ना भूलें। जब उसको आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों ये करना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली आप वो चीज कर लेंगे। लास्टली आई वांट टू नो अपकमिंग कैंडिडेट्स जो बीपीएससी की तैयारी करेंगे, आपने आपका जर्नी बहुत लंबा रहा है, आप उन लोगों के लिए कैसे गाइड करेंगी, आप ऐसे पढ़ाई करो अल्टीमेटली यू विल गेट सक्सेस? हम ये कहेंगे कि आप, मैंने जो बुक लिस्ट बताई है और आप आजकल तो ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही ज्यादा हेल्प होने लगी है, तो आप उन चीजों के साथ, लेकिन मैं एक चीज आपको हिदायत जरूर देना चाहूंगी कि ऑनलाइन माध्यम से आप उन्हीं चीजों को पकड़े जो ऑथेंटिक, ये ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं उस चीज को आप ना करें, आप जो बुक्स है उनको बार बार रिवाइज करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, बिल्कुल ये जरूरी है, काफी जरूरी है। थैंक यू, इट्स एन इंस्पायरिंग जर्नी। और भी कुछ बातें आप बस रखना चाहते हैं सामने, रख सकते हैं? मेरे जो लोग जानते हैं वो यही कहते हैं कि ये अंकल जी जो मेरे साथ हैं अभी, इन्होंने मेरे काफी, इन्होंने भी मोटिवेट हमेशा करते रहते थे, शायद जीवन में बस एक ही यही बचे थे जो मेरे को हमेशा मोटिवेट और हमेशा साथ, इन्होंने ही बस एक तरह से कहे तो मुझे मेरा साथ दिया है हर मुसीबत में, तो मैं अंकल को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी बहुत दिल से। आप कैसे देखते हैं इस सक्सेस को? जी ये तो सब जो है लगन है, जो कि इतने सालों से और इतना मतलब कि हार्ड जो है परिश्रम करने के बावजूद जो है ये सफलता मिली है, तो बहुत खुशी हो रही है जो ये सफलता जो है हासिल की है, क्योंकि एक सपना था, पापा का भी एक सपना था बेचारे, बीच में जो है मतलब कि काफ़ी डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी एकदम बिल्कुल जो है मतलब कि होपलेस नहीं हुई कि हाँ हमको जो है ये पहले से ही टारगेट था कि हमको ये करना है तो करना है, तो अभी जो है बहुत खुशी हो रही है जो कि इस मुकाम पे पहुंची है। काफ़ी लंबा जर्नी और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रहा, और हमें लगता है कि आप जब अच्छे से मेहनत करते हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन होता है किसी चीज़ के लिए, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको हर समय सपोर्ट करता है। अभी हमारे सामने अंकल हैं जिन्होंने अभी थ्रू आउट द जर्नी हेल्प करा है, इनके माता जी हैं जो हमेशा इनके सुख दुख में साथ रही हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी था, आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे इस तरह का और भी कुछ एक्नॉलेजिंग वीडियो हम आपके साथ जरूर लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पटना लाइव। थैंक यू सो मच।